सपा नेताओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। रसोड़ा बलिया स्थानीय गांधी पार्क एवं नगरा में रविवार को शाम में सैकड़ों की संख्या में सपा नेताओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी, जिसमें गांधी पार्क से भगत सिंह तिराहे तक कैंडल मार्च निकाले और श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से 2 मिनट का मौन रखते हुए सपा के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर देश की आन बान शान की हिफाजत के लिए अपने जीवन की बहादुर पूर्व बलिदान देने वाले शहीद जवानों को याद में कैंडल जलाकर सम्मान प्रकट किया गया। सपा नेता हाजी नूरुल बसर अंसारी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सीमा पर जवान हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात एक कर रही है, तभी हम लोग यहाँ अपने घरों में चैन से सो रहे हैं। देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने में पीछे न हटना हमारे जवानों की परंपरा रही है। वहीं सपा के कद्दावर नेता नितिन मसीह ने पुलवामा हमले के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए देश भर शहीद होने वाले सैनिकों को नमन किया। वीरबल राम ने कहा कि उन्हें याद करना तथा उनके उद्देश्य को पूरा करना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। इसके बाद रसोड़ा कस्बे में कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर विजय शंकर यादव, नितिन मसीह, कमलेश कुमार भारती, वनारसी प्रसाद, पिंटू अंसारी, सुजीत सिंह, हरे राम राजभर, गुलजार अहमद, सौरभ यादव, इकबाल अहमद, राजेंद्र शर्मा, रामविलास यादव, विजय शंकर ठाकुर आदि लोग रहे। राघवेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट।